फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी, इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त फिलोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यहाँ पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सतना जिले के अंदर झोला छाप डॉक्टर के रूप में हजारों की संख्या में यमराज विराजमान हैं और जिन लोगों को इन यमराजों के ऊपर अंकुश लगाने का जिम्मा सौंपा गया है, ये लोग रिश्वत लेकर इन यमराजों को आम आदमी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की छूट दिए हुए हैं। यदि ऐसा नहीं है तो फिर भाला जिले के अंदर खुलेआम डंके की चोट पर झोला छाप डॉक्टर किसी भी आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ कैसे कर रहे हैं। डॉक्टर नहीं है, यमराज है कि पहली सीरीज में हमने टिकुरिया टोला के अंदर वार्ड नंबर 45 के एक झोला छाप डॉक्टर की वास्तविकता दिखाई थी। आज हम आपको वार्ड नंबर 43 टिकुरिया टोला के ही दूसरे डॉक्टर की वास्तविकता दिखा रहे हैं। टिकुरिया टोला के वार्ड नंबर 43 में राकेश कुमार शुक्ला नामक झोला छाप डॉक्टर के यहाँ मरीजों की लाइन लगी हुई है। ये डॉक्टर साहब बिना किसी डिग्री के इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, बोतल भी चढ़ा रहे हैं और मरीजों को दवाइयां भी दे रहे हैं। आपके पास डिग्री क्या है? तो इन्होंने बताया कि हम RMP हैं और जन स्वास्थ्य रक्षक हैं। डॉक्टर RK शुक्ला, आप किस चीज़ का इलाज करते हैं? हम हो गया इसे प्राथमिक उपचार है, जैसे किसी को सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, ऐसा है, कोई बाटल वाले आ गए, कोई सुई वाले आ गए, या बहुत यहाँ लगवाने वाले आते हैं सबसे ज़्यादा, कोई चोट हो गई, एक्सीडेंटल आ गया, मलहम है, पट्टी है, टाँके वगैरह सब लगाते हैं। टाँके ज़्यादा हुआ तो नहीं लगाते, वो हॉस्पिटल भेजते हैं। कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? हमारा सन 88 से, मैं डॉक्टर हेमंत पांडे के यहाँ 28 साल रहा हूँ, सन 88 से लेके सन 2018 तक। तो कौन कौन सी डिग्रियाँ हैं आपके पास? जी डिग्री कौन सी आपके पास? हमारे पास RMP है और ये भी किया था, जन स्वास्थ्य रक्षक हमने किया था। क्या मध्य प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर किसी RMP को इंजेक्शन लगाने और बोतल चढ़ाने का अधिकार है? और यदि नहीं है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी LK तिवारी इन झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं करते? इन झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही नहीं हो रही है तो बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि स्वास्थ्य महकमा इन झोला छाप डॉक्टरों से नियमित रूप से हर महीने वसूली करता है। कुछ झोला छाप डॉक्टर एक साल का इकट्ठा रिश्वत पहुंचा देते हैं। जब सतना शहर के अंदर सैकड़ों की तादाद में झोला छाप डॉक्टर डंके की चोट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव खेड़े की हालत क्या होगी। ये झोला छाप डॉक्टर आम आदमी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो करते ही हैं, आम आदमी को किस तरीके से लूटते हैं इसका भी अंदाज़ा सहज रूप से लगाया जा सकता है। डिग्रियों में अपन जी, एक जो डिग्री है आपके पास, इसका इसमें अपन किस चीज़ का इलाज कर सकते हैं, कौन कौन चीज़ों का इलाज कर सकते हैं? नहीं तो इसमें हम कोई इलाज वैसा नहीं करते हैं। हाँ, हम तो वैसे ही आए कि जैसे किसी को बुखार है या कोई मान लीजिए कोई आ गया, जैसे अब किसी को बाटल लगवाना है ना, किसी को सुई लगवाना है या कहीं जाना है तो हम जाते भी हैं, लगाने भी जाते हैं। आपके मरीज अपनी यहाँ पर? हाँ नहीं तो ये SP तिवारी का आप पर्चा भी देख सकते हैं। हाँ ये भी दिखाई रही हैं हॉस्पिटल में तो लिखे थे, तो इनका भी वही है। नहीं वो अस्पताल में नहीं, वो अपने से मतलब कि हमको लगा दीजिए, वो लिखे रहे हैं कि बाटल यहाँ भर्ती हो जाओ, तो बोले कि भीड़ है यहाँ बहुत ज़्यादा। क्लिनिक आप कहाँ पर है? ये गोपाल कॉलोनी टिकुरिया टोला में है, ग्राम क्रमांक 42 है, 43 है। सतना जिले के अंदर जब से मुख्य चिकित्सा अधिकारी LK तिवारी आए हैं तब से इन्होंने एक भी झोला छाप डॉक्टर के विरुद्ध जिले में कोई कार्यवाही नहीं की। करते भी कैसे यदि हर झोला छाप डॉक्टर से नियमित रूप से महीना बंधा हुआ है, नियमित रूप से रिश्वत आ रही है, तो मजाल क्या कोई भी भ्रष्ट आदमी कोई सही काम कर दे? LK तिवारी के संबंध में लोग बताते हैं कि इसके पहले ये पन्ना जिले में भी थे और इसी तरीके से इन्होंने पन्ना जिले के भी झोला छाप डॉक्टरों को पूरा संरक्षण प्रदान कर रखा था, जिसके चलते इन्हें लाखों रुपयों की अवैध कमाई हर महीने होती थी। यदि मुख्य चिकित्सा अधिकारी LK तिवारी सतना जिले के अंदर
कुछ दिनों तक और विद्यमान रहे, कुछ दिनों तक और टिक गए, तो आने वाले दिनों में आम आदमियों की लाश गिनना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर आए हैं? हाँ जी। क्या नाम है डॉक्टर साहब? और क्या बच्ची का आपको डॉक्टर साहब? ये मैं इनको दिखाया वहाँ SP तिवारी जी के यहाँ, उन्होंने बोला कि भर्ती कर दो इनको। मैं बोला कि अस्पताल में तो जगह है नहीं, भीड़ भाड़ है, और एक तो मैं ड्राइवर हूँ तो मैं ड्यूटी भी जाता हूँ। तो मैं बोला कि डॉक्टर साहब आप बोतल उतल लिख दीजिए दवाई वगैरह, तो मैं वहीं बोतल चढ़वा लूँगा और गोली दवाइयाँ अपना खिलाता पिलाता रहूँगा। और इसको पी लिया है हाँ, तो इसलिए खाना पीना सब छोड़ी है, बस यही है। बोतल यहीं ठीक डॉक्टर साहब के यहाँ, और इनका RK शुक्ला जी के यहाँ। हाँ मान लीजिए कहीं भी अगर बोतल कहीं चढ़ाते हैं तो वहीं कहीं भी चढ़वा लेता, बोतल तो चढ़वाना है। राम आश्रय साकेत, मैं खमरिया का हूँ। सतना में मैं यहीं रहता हूँ किराए से, यहीं गाड़ी चलाता हूँ। कमिश्नर साहब, एक्साइज कमिश्नर। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कितने कर्तव्य परायण हैं, इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि जिला चिकित्सालय के बगल से एक मेडिकल स्टोर में एक झोला छाप महिला डॉक्टर जिसका नाम पूनम अग्रवाल था, उसने एक महिला को मौत की नींद गलत इलाज करके सुला दिया। इतना सब होने के बाद भी झोला छाप डॉक्टर जेल तो चली गई, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जिले के अंदर झोला छाप डॉक्टरों के हौसले बुलंद है। जब विशाल खबर का संवाददाता टिकुरिया टोला के वार्ड नंबर 43 में झोला छाप डॉक्टर राकेश कुमार शुक्ला के यहाँ पहुंचा तो राकेश कुमार शुक्ला के चेहरे पर कोई मायूसी नहीं दिखाई दी, कोई परेशानी नहीं दिखाई दी। उन्होंने बड़ी सहजता के साथ जवाब दिया कि हम तो सर्दी खांसी का इलाज करते हैं। इसके बाद भी उनकी डिस्पेंसरी में बाकायदे बोतल चढ़ाने की व्यवस्था आप तस्वीरों में स्पष्ट देख सकते हैं, वीडियो में स्पष्ट देख सकते हैं। राकेश कुमार शुक्ला अपने डिस्पेंसरी में बाकायदा मरीजों को बोतल चढ़ा रहे हैं। RMP करने वाला कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को बोतल नहीं चढ़ा सकता, लेकिन जब चिकित्सा अधिकारी झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध कोई काम न करे, कोई कार्यवाही न करे, तो फिर झोला छाप डॉक्टर निरंकुश होकर के इलाज तो करेंगे ही। झोला छाप डॉक्टर से वसूली का काम, उनको संरक्षण देने का काम आशुतोष और शोभित नाम के व्यक्ति करते हैं और पूरी वसूली करके मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास पहुंचाते हैं। झोला छाप डॉक्टरों का खेल पूरे ज़िले में छोटी मोटी रकम का नहीं है, अगर पूरे साल भर की वसूली जोड़ दी जाए तो पूरा मामला करोड़ों पार कर जाता है। जब किसी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को साल में करोड़ों रुपया झोला छाप डॉक्टरों से प्राप्त हो रहा है तो भला झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध कोई भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कैसे कार्रवाई करेगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप हमारी विशाल खबर देख रहे हैं, विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे लाइन काम दबाना न भूलें।